शहर के बेसहारा और जरूरतमंदों को विभा फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों को अनाज खाना वितरण किया गया। विभा फाउंडेशन के तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता शहर के हर परिसर में जाकर रोजाना हजारों के आसपास बेसहारा और जरूरतमंदों को खाना अनाज का वितरण कर सेवा दिन भर दे रहे हैं। लॉकडाउन के चलते ही लोग अपने घरों में, ऐसे में जो बेसहारा और जरूरतमंद लोग है जो जिन्हें खाना नसीब नहीं हो रहा, मगर कुछ ऐसे भी शहर के स्वयंसेवी संस्थान है जो ऐसे जरूरतमंद लोगों को खाना देते हुए और अनाज की किट बांटते हुए नजर आ रही है। इस समय में हमारे साथ में विभा, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा ग्रुप जिनके माध्यम से हर जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा खाना और अनाज बांटने का कार्य किया जा रहा है। इन समय ये तमाम लोग हमारे साथ में हैं, इनसे हम पूछना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि ये करने के पीछे का सबसे पहले तो बताइए उद्देश्य क्या है, अब तक कितना कार्य किया गया आपके संस्था के मार्फत से, क्या नाम है आपकी संस्था का? नमस्कार सभी को, जय हिंद। हमारी संस्था का नाम विभा फाउंडेशन है। हमने ये कार्य 25 तारीख से शुरुआत किया है और जहाँ तक हमें अंदाज़ा था कि यहाँ तक हमें लॉकडाउन के चलते चलते और आगे इसमें तकलीफ होने वाली है, तो हमने डेली हमने लोगों को खाना बांटने की प्रोसेस चालू की। सबसे पहले शुरुआत होती 200 लोगों के लिए प्रतिदिन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में चलते चलते आज का आरवा अभी 1500 से 1600 लोग हम लोग डेली फूड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और तो और अभी जिस तरह से अभी लॉकडाउन आगे बढ़ा है, आगे भी हम चाहेंगे कि डेली 1500 से 1600 लोग हम दो लोगों उनको खाना वाना खिलाने की कोशिश करें। और हम भी अभी कच्चे राशन का भी यानी 200 लोगों का करवा रहे हैं और अभी 25 तारीख से तो चालू ही है। अभी देखते जैसे फंड रेस होगा उतना हम और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। क्या आपका इसका नाम है? विभा फाउंडेशन। तो आप विभा फाउंडेशन के ये तमाम साथी जो दिन रात काम करते हुए नजर आ रहे हैं, देश के रियल हीरो और भी लोग हैं, उन्हीं में से ये भी रियल हीरो है क्योंकि भूखे प्यासों को खाना खिलाना सबसे बड़ा काम है, क्योंकि भोजन दान जैसा श्रेष्ठ दान इस पूरे जगत में नहीं है और वे काम बखूबी के साथ इन लोग कर रहे हैं। और जैसे भी लॉकडाउन का, जैसे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने जो एक उसकी जो समय सीमा जो थी वो जो बढ़ा दी 30 अप्रैल तक के करा है, ऐसे में भी ये लोग उन जरूरतमंदों को और बेसहारे को खाना खिलाते हुए और अनाज की किट देते हुए नजर आने वाले हैं। नागपुर के सकरदरा चौक से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।